दोस्तों नमस्कार। हम गुजराती लोग जब भी कुछ नई शुरुआत करते हैं तब वी नो दैट गणेश स्थापना करते हैं, तो वैसे आज भी मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश की नई शुरुआत कर रही हूँ बिकॉज हम बहुत 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 बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट एक मोटिवेशन तो लाइफ में ज़रूरी है, तो मोटिवेशन मेरे लिए आज से ये है कि ऑब्वियसली मुझे हर रोज़ इंग्लिश के वीडियो रखने हैं। एंड उसके साथ साथ एक मोटिवेशन और है जो आपने और मैंने हम सब ने सुना है कि लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आई बिलीव इन दैट। बट उसके साथ साथ लाइफ में थोड़ी बहुत ठोकर खानी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज जब तक आप ठोकर खाओगे नहीं तब तक आपको अपना एक पाथ या फिर कुछ करने का मौका शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लाइफ में जितनी ठोकर खाओगे उतने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, रही बात हमारे आज के काम की, तो ऑब्वियसली हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप सोचो कि छोटे बच्चे हुए करते थे तब आपने इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से की? सोचो, सब लोग सोचो, साथ में सोचते हैं कि मैं जब छोटी बच्ची थी फोर्थ फिफ्थ साल की, तब मुझे याद है तब तक मेरे पापा ने मुझे या फिर मेरी मॉम ने मुझे ABCD सिखाई थी। एम आई राइट? आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे। ABCD की बात करें, ओके ABCD, तो मैम यार कितनी बार मैंने वो हम साथ साथ वाला सॉन्ग सुना है, ABCDEFGHI। तो हमें ABCD तो इसके लिए आ गई थी बिकॉज ऑब्वियसली हम सॉन्ग बहुत बार सुनते थे। चलो सॉन्ग सुनते थे इसलिए ABCD तो आ गई, लेकिन ABCD का यूज क्या है, कैसे करते हैं उसको, जब स्पेलिंग बनाते हैं तब कहाँ पे कैसे इनपुट करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर पेपर और पेन लेके साथ में बैठ जाओ, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से जानने के लिए मिलेगी। तो इतने अच्छे से ग्रामर मुझे ऐसा है कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही पढ़ाते होंगे सब लोग, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़ गए हो, मेक श्योर फोकस के साथ, हर रोज़ मेरी वीडियो आने वाली है तो प्लीज़ बैठ जाना टाइम टू टाइम। ओके चलो, हिंदी वर्णमाला। आप बोलोगे मैम शायद हम इंग्लिश में जाने वाले थे ना, तो हिंदी वर्णमाला कहाँ से आ गई? ओके, ये इसीलिए मैंने ये किया हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश का कि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे कि मैम हम हिंदी मीडियम से नहीं, हम गुजराती वाले हैं, तो क ख ग ग। हाँ ओके, आपने कभी भी सोचा है कि अगर ऑन द स्पॉट कोई आपको बोलता है कि कक्को बोलना भैया आपने शुद्ध है, तो आपने कक्को स्पीडी नहीं बोली सके, पर जो ए टाइम में आपने कोई के તને ABCD આવડે છે તો આપણે ABCD પરફેક્ટ બોલીશું। તો ઇન્ડાયરેક્ટલી એવું હોવું જોઈએ ને કે આપણે ઇંગ્લિશ સારું આવડવું જોઈએ કમ્પેર ટુ ગુજરાતી। કેમ? કારણ કે ગુજરાતીનો જે બેઝ છે અને ઇંગ્લિશનો જે બેઝ છે, તો હકીકતમાં આપણે ગુજરાતીનો બેઝ તો આવડતો નથી, ઇંગ્લિશનો બેઝ આવડે છે ABCD। અગર લેટ ધ ટોપિક નાઉ, બટ વી વિલ બેક ટુ ધ જો ભી મુજે આપકે સિખાના હૈ કે ઇંગ્લિશ કી સ્ટાર્ટિંગ કહાં સે કરની હૈ, ABCD ક્યા ક્યા યુઝ હૈ, તો હમ યહાં સે દેખતે હૈં। ઓકે, हिंदी वर्णमाला में आप देख सकते हो कि टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर है, कितने हैं? 52। लेकिन जब आप इंग्लिश में देखोगे ना तो 52 नहीं मिलेंगे। कैसे? एक बार यहाँ पे देख लो, स्वर व्यंजन, हम सबको पता है स्वर किसे बोला जाता है, व्यंजन किसे बोला जाता है। अगर हम व्यंजन बोले तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सोनेंट। एंड स्वर बोले तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका? वाउल। आप बोला क्या कि मैं वाउल, आई थिंक इज अ न्यू वर्ड राइट? नो, इट्स नॉट अ न्यू वर्ड। आपको शायद ये वर्ड सब लोग वॉवल करते बोलते होंगे राइट? और आपने वॉवल करते ही सुना होगा, लेकिन उसको वॉवल नहीं वाउल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाउल। मैं बाद में लिखूंगी यहाँ पे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। ओके, स्वर व्यंजन ये सारी विसर्ग द्विगुण व्यंजन अनुस्वार या चंद्रबिंदु। आप बोलेंगे मैम इन सब में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी हम क्या सीखे? ओवल नहीं, हिंदी भी सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इट्स ऑल्सो इक्वलेंट और इक्वल इंपॉर्टेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज। चलो अभी आ गए हमारे ABCDEFGHI। आपने एक चीज देखी, जब यहाँ पे हमने कितने लिखे थे? 52, और यहाँ पे कितने आए? टोटल 26। अब सोचो कि इंग्लिश में तो सिर्फ हमारे पास 26 लेटर में तो हम पूरा इंग्लिश सीख सकते हैं, तो हिंदी कितनी डिफिकल्ट हुई? वहाँ पे तो 52 थे। अब सोचो 52 डिवाइडेड बाई 26 कितने हुए? 2 राइट? तो जब भी आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हो ना तो दो बार लिखना पड़ता है, तब जाके उसका एक बार प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 26 और यहाँ पे 52 है, तो ये सबको तो पता है ना ABCD की, वो भी मुझे सिखाने की जरूरत है।
याद ही होगा, ऐसे मैं मान लेती हूँ। आप सब भी अगर याद ना हो तो एक बार रीड कर लेना, या फिर अगर मूड ना हो और आपको सॉन्ग में सुननी हो तो हम साथ साथे वाला सॉन्ग सुन लेना। चलो, एबीसीडी में कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं देख लो। ये क्या है? कॉन्सोनेंट एंड वाउल। क्या है? वा उल, वा ऊ ल। कॉन्सोनेंट यहाँ पे आप सबको दिख रहे हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टोटल 19 है। वाउल है आपके ए ई आई ओ यू, जो हम सबको पता है 5, एंड सेमी वाउल है आपका डब्ल्यू एंड वाई, इट्स 2। टोटल मिला के हो गए हैं आपके 19 कॉन्सोनेंट्स, 5 वाउल प्लस 2 सेमी वाउल इक्वल टू 26। मैंने आपको बोल दिया है टोटल कितने हैं, 26। अगर हिंदी में हम बात करें तो टोटल कितने हैं, 52। चलो, सेमी वाउल, ओके। वाउल का यूज हमें पता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट का भी पता है, लेकिन जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो मोस्टली हम वाउल तभी हमारे दिमाग में याद रखते हैं जब हमें ए और एन लगाना है, कि अगर आपका स्टार्टिंग वाउल से होता है तो हम वहां पे एन लगाते थे, अदरवाइज ए लगाते हैं, मैं राइट? ओके, आप सब लोग एग्री करोगे इसके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है सेमी वाउल में, ओके, अ स्पीच साउंड इंटरमीडिएट बिटवीन अ वाउल एंड कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू, बहुत सारे वीडियोज में या फिर कहीं जगह थे उसका प्रोनाशिएशन डब्ल्यू भी किया जाता है, और बहुत सारे लोग उसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, इसको वी नहीं, वाई, क्या वाई बोला जाता है, ओके। ये समटाइम्स इस तरह से उसको यूज किया जाता है कि समटाइम्स आपके सेंटेंस में या फिर आपके वर्ड में डब्ल्यू और वाई समटाइम्स कॉन्सोनेंट भी होते हैं और समटाइम्स वाउल भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कंपलसरी, जैसे कि बाकी वर्ड में क्या था, कंसोनेंट, कॉन्सोनेंट में जो थे वो कॉन्सोनेंट ही बोले जाते थे, वाउल में जो थे ए ई आई ओ वो वाउल ही बोले जाते हैं, लेकिन ये दोनों में आते हैं, बीच में, नहीं इधर का नहीं उधर का, ये दोनों उस साइड के हैं। वाई एज अ वाउल लॉन्ग ई साउंड, ओके, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है कि जहां पे वाई एज अ वाउल की तरह परफॉर्म करेगा, एन ई, सुना कुछ वर्ड आया ए ई आई ओ यू, एन ई, 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 तो ई क्या आया आपका वाउल, अर्ली, ई, ई, वाइट है, वहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ई, लॉन्ग ई साउंड, नैनी, नैनी, ई बोलते ना, तो क्या हुआ लॉन्ग ई साउंड। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक, अगर आपका वाई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो जाता है, वाई ई एस, चलो वाई ई एस ले लो, वाई से स्टार्ट होता है, ओके, तो वहां पे कि वा वी बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। अगर फर्स्ट के अलावा कहीं और जगह पे अगर वाई आता है तो वो हो जाएगा आपका वाउ, फर्स्ट लेटर में है, फर्स्ट लेटर में तो कॉन्सोनेंट, और फर्स्ट लेटर के अलावा अगर आपके वर्ड में कहीं पे भी है तो वो क्या हो जाएगा आपका वाउ, सिंपल। ये सबको आपको प्रोनाउंसिएशन खुद करना है। वाई एज वाउ लॉन्ग आई साउंड, मैंने क्या बोला था, पहले हो तब कॉन्सोनेंट, लेकिन लास्ट में देखो दिख रहा है लास्ट में सब जगह, ओके, लेकिन यहां पे क्या साउंड आएगा, आई साउंड, क्राई, फ्लाई, फ्राई, बाय, ड्राई, माय, तो आप सब सोच सकते हो कि किस तरह से उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके। यहाँ पे मैंने छोटा सा चार्ट लिया है, मे बी शायद आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हो, आई होप सो दैट, ओके। सेमी वाउल यहाँ पे मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, एक ही ग्राफ में और एक ही टेबल में, एज अ कॉन्सोनेंट एंड एज अ वाउल, ओके। डब्ल्यू देख सकते हो मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट है आपका जो लेटर जहां से हम बात करें तो वो क्या हो जाए आपका कॉन्सोनेंट, लेकिन लास्ट में आया तो वो क्या हो जाए आपका वाउल, उसका प्रोनाउंसिएशन के भी साथ दिख रहे, वी, क्या बोला वी, तो आया वी, तो वो तो हमारा कॉन्सोनेंट, ओके। नाउ उ, उ, वो क्या है हमारा वाउल है, तो वो क्या हो जाएगा वाउल, तो एक ही वर्ड डब्ल्यू जो है आपने देख लिया कि वो किस तरह से समटाइम कॉन्सोनेंट की तरह और किस तरह से समटाइम्स वाउल की तरह भी यूज करता है। इसी तरह हम क्या सीखेंगे आज, वाई, वाई में भी यर, यस, यू, मैंने बोला ना फर्स्ट वाला हो तो क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, और फर्स्ट के अलावा कहीं पे भी आता है तो क्या हो जाए आपका वाउल, क्यों, क्राई, ड्राई,
अ अ लास्ट वाला अ वाला सम लिटिल बिट साउंड आ रहा है तो वो क्या हो जाए आपका वाउल। ओके आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है तो उसका रीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके इसका प्रोनाउंसिएशन तो मोस्टली सबको आता ही होगा ना, क्या है रिदम। यहाँ पे वाई कहाँ पे है, बीच में। मैंने आपको क्या सिखाया, वाई कहाँ पे हो तो कॉन्सोनेंट और कहाँ पे हो तो वाउल होगा। सोचो आपने लिखा ही होगा ना, जितना मैंने सिखाया उतने थोड़े बहुत तो नोट्स बनाए होंगे। ओके थोड़ा बहुत आपको याद आएगा कि वाई अगर स्टार्टिंग में हो तो आपका कॉन्सोनेंट और फर्स्ट के अलावा कहीं पे भी हो तो आपका वाउल। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना इसका तो आपको बताएगा कि ना ही ये वर्ड कॉन्सोनेंट में आता है और ना ही ये वर्ड वाउल में आता है, लेकिन ये वर्ड किस में आता है, वाउल में आता है। क्यों, आपका वाई बीच में आता है। अगर ये सारे कॉन्सोनेंट्स आप सबको पता है ना, पता ही होगे, क्यों नहीं पता हो, क ख ग ग। और यहाँ पे मैंने आपको किसका क्या होता है, बिकॉज ये कैसी चीज है कि हम बहुत छोटे थे तब ये सारे हमने रट्टा लगाए थे 5 times 10 times। हमारे जो टीचर्स थे, ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने हमें 10 times 15 times सिखाया था, लेकिन उसके बाद हमारी आदत छूट गई है। तो मे भी शायद बहुत सारे यहाँ पे वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसका आप शायद भूल गए होंगे, मोस्टली ये वाले कि इसका क्या होता है, ये सारे भूल गए होते हैं। तो एक बार पहले आप ये रिवाइज कर लेना कि अगर एक बार ये आपका रिवाइज हो गया तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, इसीलिए तो हमने एबीसीडी से स्टार्ट किया कि दिस इज अ वेरी बेसिक 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 थिंग्स इन इंग्लिश। ओके चलो एक चीज मुझे सिखानी है, ये क्या है कमल। ओके यहां पे आप देख सकते हो क का क्या है के, म का क्या है कहां पे। आप सब लोग कि मैम यहां पे ढूंढ क्यों रहे हो, मुझे तो सिर्फ आपको दिखाना है कि क्या होता है, एम और ल का एल। ओके तो अगर हम स्पेलिंग करना चाहे तो कमल का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो के एम एल हो गया ना, तो हम लेकिन अगर ऑफिशियली हम उसका सही करें तो क्या होता है के ए एम ए एल, राइट। तो ये और ये वाला ए कहाँ गया, ये और ये वाला ए कहाँ गया। देखो आप यहाँ पे जो नीचे जो वाला आप यहाँ पे निशानी देख रहे हो वो है आधा वर्ड, वो क्या है आधा वर्ड। तो अगर उसको पूरा वर्ड करना हो तो आप अगर और अगर कहीं पर भी दिखोगे तो के का मतलब आपको के ए मिलेगा, एम का मतलब एम ए मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है उससे प्रूव होता है कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो आधे की बात हो रही है। अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो उसके साथ ए लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा के ए एम ए एल। ओके मैंने एज यूजुअल कल भी बोला था आपसे कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ओके आपके लिए ये तीन मैंने एग्जाम्पल दिए, आपको बताना है कि यहाँ पे से या लॉयर एंड बियॉन्ड में से कौन कॉन्सोनेंट है और कौन वाउल है और क्यों है, उसका रीजन के साथ आप मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं ऑब्वियसली लाइक करके आपको बता दूंगी, और गलत है तो मैं कल के लेक्चर में आपको उसकी गलती कहाँ पे है और क्या क्या गलती की वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बिकॉज अगर मैंने कमेंट में रिप्लाई दे भी दिया तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं सारे डाउट वर्बली सिखाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेक श्योर आज का जो हमारा फर्स्ट बेसिक इंग्लिश का लेक्चर 1 था तो वो बहुत मज़ा आया होगा, बिकॉज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें एबीसीडी से। सो इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें, हम सब लोग अच्छे अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश ग्रामर पर, ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पे आई और मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब बोला कि मैम एबीसीडी तो सीखने दो यार, और ये जो मैं सारी चीज़ सिखा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे बड़े बच्चों को लाइक 18+, 20+, 30+ ही देख सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली आप किड्स हो गए तब एबीसीडी सीखते हो गए तो उनके लिए भी बेनिफिट है, या फिर आपके पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि एंथुजियास्टिक होते हैं कि चाहे हम क्यों 45 के क्यों ना हो लेकिन हमें इंग्लिश सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं। तो छोटे से बड़े सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। तब तक बनाए रखिए मेरे साथ, बाय बाय, टेक केयर।